डेली हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ टिमसी गुप्ता। दोस्तों, आज पूरा संगीत जगत लता जी को बहुत याद कर रहा है। हम सब उनकी यादों में डूबे हुए हैं और निरंतर उन्हें याद ही करे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हीं की बातें करते रहें बस। इसी के चलते हुए मैं मुकेश नेमा जी के द्वारा लिखी हुई लता दीदी की लाइफ के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करने जा रही हूँ। गोवा के मंगेशी गांव के जाने माने मंगेशी मंदिर के पुजारी के बेटे दीनानाथ मंगेशकर को मराठी थिएटर से बेहद प्रेम था। अपनी इसी दिलचस्पी के चलते दीनानाथ अपनी खुद की थिएटर मंडली बनाकर पूरे हिंदुस्तान के शहर शहर घूमे। ऐसे ही घुमंतू दौर में इंदौर प्रवास के दौरान 28 सितंबर 1929 को उनकी पत्नी शिवंती ने एक बेटी को जन्म दिया। दरअसल माँ सरस्वती खुद चली आई थी पुण्यात्मा दीनानाथ के घर। दीनानाथ ने अपनी इस बेटी को उसकी दिवंगत बड़ी बहन का ही नाम दिया, लता। हुनर एक्टर और उससे भी अच्छे गायक दीनानाथ ज्यादा जिए नहीं। जब पिता ने आंखें बंद की तब लता केवल 13 की थी। पिता के ना रहने पर अपने से छोटे भाई बहनों उषा, आशा, मीना और हृदयनाथ की जिम्मेदारी लता के जिम्मे आई और परिवार का पेट भरने के लिए इस बड़ी बड़ी आंखों वाली छोटी सी सावली लड़की को फिल्मों में एक्टिंग करनी पड़ी। पर अपना खुद का घर बसाने का ख्याल छोड़कर अपने भाई बहनों की माँ बनी है लड़की, जिसे कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। गाना गाने के लिए ही पैदा हुई थी, उसने यही करना चाहा। पर नूरजहां, अमीर बाई कर्नाटकी और शमशाद बेगम का जमाना था। वो गाने के इलाके में उन्हीं की तूती बोलती थी। सन 47 के दिनों में बसंत राव जुगेलकर ने फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। लोग इस नई आवाज से बेहद प्रभावित भी हुए, पर बात बनी 1939 में आई फिल्म महल के एक गाने से। इस फिल्म में लता का गाया हुआ एक गाना आएगा आने वाला बड़ा मशहूर हुआ और फिर लंबी चोटी वाली लता को कभी पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दीनानाथ की ये बड़ी लड़की इतनी बड़ी हुई कि पूरा जमाना उसके सामने छोटा पड़ गया। हमेशा नंगे पांव गाना गाने वाली सादी सी लता अपनी मीठी आवाज की बदौलत हिंदी फिल्म पार्श्व गायन के शिखर पर पहुंच गई। लता ने हिंदी फिल्म संगीत को हरा दिया। उन्होंने 20 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। दुनिया भर के सम्मान पुरस्कार उनके सामने बिछ गए। व्यक्तिगत रूप से भी जो आदर मिला उन्हें, उसके बराबरी का दूसरा नाम तलाशना बहुत मुश्किल है। पूरी दुनिया उनकी कायल हुई, उनसे गुनगुनाना सीखा संसार ने। और उस वक्त भी कोई हैरान नहीं हुआ जब मजाक में ही सही पर पाकिस्तान के एक डिक्टेटर ने हमसे लता के बदले कश्मीर देने की पेशकश की। लता भारत की वो रतन थी जिसके बारे में कभी बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा था कि जो कमाल हम 3 में कर पाते हैं उसे लता भाई 3 में पैदा कर देती है। ऐसे में ये मानने का जी ही नहीं करता कि लज्जा गले गाने वाली लता मंगेशकर हमें छोड़ गई है। वो चाहे भी तो हमसे दूर जा ही नहीं सकती। हिंदुस्तानियों की 4 का मन मीठा करने वाली मिश्री जैसी लता तो उज्जवल ध्रुव तारा है हमारे संगीत जगत का, और ध्रुव तारे को तो हमेशा बना ही रहना होता है।